तो ये है दोस्तों इंडिया गेट। तो ये है दोस्तों इंडिया गेट। इंडिया गेट का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों। ये है इंडिया गेट जो जस्ट ये देख रहे हैं। ये पूरा इट्स अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क जो शहीदों के नाम है दोस्तों। मार्टियर्स जो हुए हैं लोग, जो शहीदों के नाम पे ये इंडिया गेट है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये पूरा नाम लिखा हुआ है इधर, जितने भी हैं सबके नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया जगह है दोस्तों। तो इंडिया गेट कैसा लग रहा है आपको? तो ये देखिए दोस्तों, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज, ये पूरे नाम लिखे हुए हैं सब, जितने भी शहीद हुए हैं सब मार्टियर्स के नाम पे इंडिया गेट है दोस्तों ये। तो ये इंडिया गेट का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा, और पास में है कर्तव्य पथ भी है इधर। तो ये पूरा इंडिया गेट का नज़ारा है दोस्तों। एंट्रेंस है दोस्तों ईसा खान का जो टॉम्ब है, जो 15वीं शताब्दी में बनाया, 1547 की शताब्दी में, जो ठीक 20 साल पहले बनाया हुआ है हुमायूं टॉम्ब के पहले से, 20 साल पहले का। तो ये मकबरा यहाँ से इस तरह का कुछ, जो ईसा खान नियाजी का मकबरा कहते हैं दोस्तों इसको, जो 1500 शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया इसको, ठीक इसको 20 साल पहले बनाया हुमायूं टॉम्ब के पहले से। तो ये ऑक्टेगनल शेप का पूरा ये मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, आगे जाकर देखते हैं फिर। तो ये पूरा कुछ ऑक्टेगनल शेप का मकबरा दोस्तों ये पूरा देख रहे हैं, जो रेड स्टैंड सैंडस्टोन और बहुत से तरह तरह के किस्म के मार्बल्स वगैरह के बनाए हुए दोस्तों ये देखें। और ये मस्जिद है दोस्तों ये पूरा, और ये ईसा खान नियाजी का मकबरा है दोस्तों। तो अंदर चलकर देखते हैं इधर। तो अंदर से कुछ इस तरह का मकबरा दोस्तों चलकर, तो ये अंदर से कुछ इस तरह का दोस्तों ये मकबरा पूरा, ईसा खान नियाजी का मकबरा दोस्तों ये वाली होगी। ये तो ईसा खान नियाजी के, ईसा खान नियाजी का मकबरा दोस्तों ये ठीक सामने जो देख रहे हैं। और इधर से ये देखिए, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है दोस्तों। ये देखिए पूरा अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ पे नमाज पढ़ाई जाती हो इधर। ये देखिए दोस्तों, तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इधर। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर पूरा डिज़ाइन है ये पूरा ऐसे। तो ठीक इधर से जाके ये देखिए, ये एंट्रेंस है दोस्तों यहाँ से, यहाँ से एंट्रेंस जहाँ से आए थे हम लोग, इधर पूरा एंट्रेंस है। तो ये पूरा ये मकबरा इसी तरह का दोस्तों, ये ईसा खान नियाजी का मकबरा देख रहे हैं। तो ये गेट जो है दोस्तों अरब सराय है, जो 1560 से लेके 1561 तक बनाया हुआ है दोस्तों। ये 14 मीटर हाइट है इसकी गेट की, देखिए दोस्तों, सराय का गेट है दोस्तों। यहाँ से एंट्री है दोस्तों हुमायूं टॉम्ब की, जो जस्ट 90 साल पहले बना है, ताजमहल से 90 साल पहले बनाया गया। यहाँ से ये एंट्रेंस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ये एंट्रेंस है दोस्तों, ये देखिए। तो ये है हुमायूं का मकबरा, जो पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है, दिल्ली का बेस्ट मोन्यूमेंट है दोस्तों ये पूरा। तो ये पूरा हुमायूं का मकबरा देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ कम से कम 150 कब्रें हैं जो मुग़ल फैमिली मेंबर्स की है पूरी दोस्तों। तो पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, देखिए दोस्तों, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट, दिल्ली का सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, ये है इस तरह का दिखता है पूरा हुमायूं का मकबरा, ठीक 90 साल पहले बना, ताजमहल से 90 साल पहले बना दिया गया इसको। देखिए हुमायूं, हुमायूं मक्का। तो ये यहाँ से एंट्रेंस है दोस्तों ये मकबरे को जाने के लिए, हुमायूं के मकबरे में जो जाएंगे। और ये जो इधर देख रहे हैं जितने भी ये सब ये वो है, मतलब कब्र है सब, जो जितने भी मुग़ल फैमिली मेंबर्स के कब्रें हैं, ये 150 तक कब्रें मिल जाएंगे आपको इधर। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, कम से कम 150 तक का कब्रें मिल जाएंगे इधर आपको। और ये पूरा ग्रीन एरिया है इधर से, ये देखिए दोस्त, क्या नाम है आपका? तो ये भाई लोग मिल गए, पूछ रहे हैं वीडियो बनाते हो, मैंने कहा हाँ भाई वीडियो बना लेता हूँ, ब्लॉगर तो नहीं हूँ मैं,
नहीं वीडियो बना रहे थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो ये पूरा ये टॉम बहुत ही खूबसूरत है, देखिए दोस्तों पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर बेगम की कब्र मुबारक और बाकी बहुत से मुग़ल फैमिली मेम्बर्स की कब्रें हैं दोस्तों। तो ये एंट्रेंस था यहाँ से दोस्तों, और ये है ये कुछ कब्रें हैं इधर मुग़ल फैमिलीज की, देखिए दोस्तों। और ये सीधा ये हुमायूं का मकबरा है दोस्तों इधर। तो ये पूरा इसी तरह का दोस्तों ये मकबरा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो जस्ट ये ताजमहल से 90 साल बनाया हुआ, देखिए दोस्तों तो क्या शानदार ये मकबरा बनाया है हुमायूं का मकबरा। तो ऐसे दिखता है कुछ इस तरह का दोस्तों, यहाँ से बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब मकबरा दोस्तों। ये देखिए इधर से ऐसे दिखते हैं। सो सच अ ब्यूटीफुल मकबरा का एंट्रेंस इधर से दोस्तों, ये देखिए ये जो दो आ रहे हैं इधर से, तो ये पूरा एंट्रेंस इधर से ही है दोस्तों, चलते हैं उधर। तो ये है मकबरा हुमायूं का, अंदर चलते हैं। जस्ट ये बहुत ही खूबसूरत देखिए डिज़ाइंस वगैरह, और जस्ट ये मकबरा मिल जाएगा जो बीगा बेगम का है शायद, या फिर हुमायूं टॉम्ब है दोस्तों। ये देखिए हुमायूं का मकबरा, ये देखिए पूरा ये हुमायूं का मकबरा देख रहे हैं दोस्त। डिज़ाइंस बहुत ही अच्छी है। तो ये पूरा मकबरा हुमायूं का देखिए दोस्तों। कैसा लगा आपको, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।